सो हेलो स्टूडेंट्स, आज दा जिहड़ा अपना टॉपिक हैगा है आपां रिविजन करन जा रहे हैं। तुहाडे कोल जिहड़ा टॉपिक है अपना वो हैगा रैशनल नंबरस प्रमेय संख्यावां। तो क्योंकि आपां ऑलरेडी कर चुके हैं आपां रिविजन दे विच, हाँ आपां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस करांगे, ठीक है जी। तो जे तुहाडी किसी की जे किसी ने डिफिकल्टी भेजी है भी मैनू होमवर्क च या रिविजन च है तो आपां उसनू कवर करांगे, ठीक है जी। सो पहला रैशनल नंबरस हुंदे की ने। सो पी बाई क्यू फॉर्म विच जिस नंबर नू लिखा जा सके, बटियां दे विच लिखा जा सके, ठीक है जी। पी भी ते क्यू भी ये दोनों की होंगे इंटीजर्स, ठीक है जी। जेड नू आपां कहने आ इंटीजर्स, ठीक हो गया जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास, तो जेड अपने कोल पंजाबी संपूर्ण संख्या होजूगा तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा, ठीक है। सो मतलब इंटीजर्स थोड़े किड़े होंगे ने, 0, 1, 2, 3, ठीक है, -1, -2, -3, इस तरह इन विचों पी ते क्यू कोई भी वैल्यू ले सकता है। दूजी कंडीशन होंगी है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेठली चीज़ नहीं, मतलब तुसी पी बटा 0 नहीं लिख सकते, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है जी। यानी कि पंजाबी कहोगे तो संभव नहीं, ठीक हो गया जी। तो तीसरी कंडीशन भी होंगी है जे आप अठवीं लैवल पर कही आप कंसीडर नहीं करते। तीसरी कंडीशन होंगी है कि जिहड़ा GCD है वो मतलब एक को प्राइम होने चाहिए हैं, सह अपाज मतलब इन्हों का मासव, इनू GCD कहने आप, GCD 1 चाहिए हैगा। मतलब ये कंडीशन आप अठवीं लैवल पर नहीं भी लेंदे है, कोई दिक्कत नहीं गई थोड़े को। सो तुसी की करना है, जे मैं 3/4 लिखा, 3/5 लिखा यह प्रमेय संख्या, 1/4 लिखा यह प्रमेय संख्या, 2/5 लिखा यह प्रमेय संख्या हैगी है। सो प्रमेय संख्या इस फॉर्म के होंगी है, ये आपने ख्याल रखना हैगा थोड़े को, ठीक है, हो गया जी। उस तो बाद की हुंदा हैगा तुहाडे कोल, तां इहदा मतलब जे मैं तुहानू उत्थे कोई टिक करनी ऑप्शन आ जाए भी किहड़ी प्रमेय संख्या परिभाषित है किहड़ी नहीं है, तां तुसीं बड़े वधिया ढंग देख लो कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जे मैं आ लिखदा ए नॉट डिफाइंड है तुहाडे कोल, इंग्लिश पंजाबी वाले की कहणगे परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल भी इहदी परिभाषा नहीं दित्ती जा सकती, बाकी सारा जिहड़ा हैगा वह ओके हैगा तुहाडे कोल। हुण जिहड़े मेनली क्वेश्चनस आउंदे ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जिहड़े मेनली क्वेश्चनस आउंदे ने वह किदां दे क्वेश्चनस हुंदे ने, ठीक है। सो आपां देखिए जी तुहाडे कोल पहला तां आउंदा मल्टीप्लिकेटिव गुणात्मक उलट, गुणात्मक भी आउंदा गुणात्मक भी, तो इंग्लिश आपां इहनूं कहिंदे आ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है जी। सो अगर मैं तुहानू कहां ए मेरा एक नंबर है, इनू कादे नाल गुणा करा कि मुड़ के 1 आ जाए, ठीक है। 1 नू असी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने, ए नू कादे नाल गुणा करा कि थोड़ा आंसर 1 हो जाए, तो उत्तर होगा कि 1/a ना मल्टीप्लाई कर दो जी, ये ना कैंसल हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। बस आही चीज़ ख्याल रखनी है। जे थोनू कहां 2/5 है, यदा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दसो, यदा गुणात्मक उल्ट दसो, गुणात्मक उल्ट, ठीक है जी। सो यदा गुणात्मक उल्ट की होएगा, इनू कादे ना गुणा करा कि 1 आ जाए, जस्ट रकम उल्टानी, बस इन उल्टा कर देना। 2/5 का की करता आप, 5/2 करके देखो, 2/5 ने अगर 5/2 ना मल्टीप्लाई की, 2 ना 2 कैंसल, 5 ना 5 कैंसल, आंसर आ गया। सो इहदा मतलब है तुहाडे पास भी जो तुसी गुणात्मक उल्ट कढ़ना है, तुसी जस्ट तुहाडी जिहड़ी हैगी रकम नू उल्टा कर देना। एग्जाम्पल होर लै लईए, आपां एग्जाम्पल लै लईए, 3 सही 1/3, ठीक है जी। इहनू आपां मिक्स फ्रैक्शन कहने आ तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जे मैं यदा कढ़ना हो गुणात्मक, पहले दी मिक्स फ्रैक्शन भन लो, मिक्स फ्रैक्शन किवें भनी दी है, ये 3 ने 3 नाल गुणा खानी है, 3 ने 3 नाल गुणा खा ली, उपरला 1 ऐड करता, 3 3 9 ते किन्ना हो गया 10। सो ये 10 लिख देना, 3/5 लिखना। सो मिक्स फ्रैक्शन भन देनी है जी, पहला 3 3 9 1 10 आह वाला 10 आ गया, उपर लिख दो, 2 जो है वह है। मिक्स फ्रैक्शन थोड़ी भनी गई जी, थोड़े पास मिश्रत भिन्न जी है। सो गुणात्मक उल्ट, ठीक है, गुणात्मक उलट। सो गुणात्मक उलट जिहड़ा हैगा है, वह इनू सिर्फ उल्टा करना है। सो ये 3/10 आ जाओ, गुणा करके देखोगे तुहाडे कोल, ठीक है,
ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਟਾ 3 ਹੈ 3 ਵਟਾ 10 ਕੈਂਸਲ 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 ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਦਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਮਾਈਨਸ 1, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਣਨੀ। 8 × 8, 8 ਦੀ ਗੁਣਾ 1 ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ 1, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9/8। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ, ਸੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ 8/9। ਸਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਏ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਏ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? 2 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਲਓ ਵੀਡੀਓ, ਆਨਸਰ ਖੁਦ ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਏ ਬਟੇ 1 ਸੋਚਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 1/A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, 1 ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 1, 1 ਔਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਲਟਾ ਰਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਈਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਈਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਮੈਨੇ ਵੀ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਫਰ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਸਿਫਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ? ਦਾ 1 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 1 ਆਰ ਦੇਅਰ ਓਨ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਨੰਬਰਸ 1 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 1, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤੀ। ਸੋ ਜੇ ਮਿਕਸ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਦੇਅਰ ਓਨ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲਸ, ਆਰ ਦੇਅਰ ਓਨ, ਦਾ ਨੰਬਰਸ 1 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 1 ਆਰ ਦੇਅਰ ਓਨ, ਓਨ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲਸ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 1 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 1 ਆਰ ਦੇਅਰ ਓਨ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, 1 ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਸ਼ਿਓਰਲੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਮੋਸਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਹਿਣਾ 0 ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਤੇ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਏ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਐਕਸ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1/x ਕਰ ਦੇਣਾ। ਏ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਏ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 3 ਕਰਦਾ, 3 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ, ਤੁਸੀਂ 3/1 ਸੋਚਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੈ MI ਜਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, 1/3 ਆ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
सो जोड़ात्मक उल्ट विच की हुंदा, हालांकि बुक विचों पहला है, ठीक है, जोड़ात्मक उलट। सो जोड़ात्मक उल्ट विच की है, ए विच की जोड़ा कि आंसर जीरो आ जाए, सिंपल। ए विच की जोड़ा तो बंदा कहूगा सर माइनस ए जोड़ दो, ठीक है, ए विच की जोड़ा कि आंसर मेरा जीरो आ जाए, जीरो नूं असीं एडिटिव आइडेंटिटी कहने हैं, ठीक है, तो कि ए विच की जोड़ा। हुण इहदा मतलब की होया, इहदा मतलब होया भी जे मेरी संख्या हैगी है तुहाडे कोल, अगर मैं संख्या लै लां तुहाडे कोल, संख्या लै लां एक बटा दो लै लां, चलो ठीक है जी, तो इहदा जिहड़ा जोड़ात्मक उल्ट की होएगा, जोड़ात्मक उलट जिहनूं आपां कहिंदे एडिटिव इनवर्स, ठीक है जी। सो जोड़ात्मक उल्ट तुसीं इहदा सिर्फ निशान चेंज करना है, तुसीं की चेंज करना है कि यह एक वटा दो बन जाए। सो गुणात्मक उल्ट विच रकम उल्टा कर दे दी हैगी है तुहाडे पास, ते जोड़ात्मक उल्ट विच साइन चेंज करना है, इन्नी कु गल है, मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गल नहीं गी, तुसीं बड़े आराम नाल कर दोगे तुहाडे कोल, ठीक है। हुण मान लो आह क्वेश्चन दे दिता, माइनस छे बटा माइनस पाँच, ठीक है जी, तो तुसीं इहदा जिहड़ा हैगा जोड़ात्मक उल्ट देना, पहला इहदे माइनस दोनों कट लो, तो माइनस जो दोनों कट गए तो संख्या इदा आ गई, जे संख्या इदा आ गई तो सिर्फ जोड़ात्मक उलट जिहड़ा होगा वो इहदा साइन चेंज कर देना, निशानी बदल देनी है। सो माइनस छे बटा पाँच आ गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो इहदा मतलब की होया तुहाडे कोल, भाई असी हुण इस वीडियो विच की सिख्या हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, आपां ने जिहड़ा हैगा ये सिख्या भाई जोड़ात्मक उलट ते गुणात्मक उलट ते परमेय संख्या की डेफिनेशन। एक क्वेश्चन होर कराना वा, ये वो क्वेश्चनस रहणगे जिहड़े तुहाडे कोल पक्के दे पक्के पेपर च आने ने, सो इस करके आपां ने इहनां दे उत्ते बहुत फोकस करना है। हुण मैं एक क्वेश्चन लैंना जिहड़ा वैरी वैरी इंपोर्टेंट है इस पार्ट विचों। सो क्वेश्चन की हैगा तुहाडे पास, वैरी वैरी इंपोर्टेंट है, उहदे विच की हैगा तुहाडे पास बई की, ठीक है, मैं जिहड़ा हैगा तुहानूं मैं रकम लिखदा, कहिंदा कि तीन सही एक बटा तीन दा गुणात्मक उलट 0.3 है। सो कि तीन सही एक बटा तीन दा गुणात्मक उलट 0.3 है, ठीक है जी, फ्रेम च आ गया, तुहानूं दिखण लग गया। हुण दो चीज़ां गुणात्मक उल्ट कदों हुंदी है, मैं तुहानूं कहा सी ए दा गुणात्मक उल्ट एक बटा ए हुंदा, अगर दो चीज़ां दी प्रोडक्ट, दो चीज़ां दी गुणा वन आ जाती है तो एक दूजे दे यह गुणात्मक उल्ट हो जाते हैं, तो इहदा मतलब दो चीज़ां दी गुणा ही करनी है आपां। सो तीन सही एक बटा तीन नूं आपां की लिखांगे, तीन आपां लिखांगे तीन ती नौ ते एक दस, ये दस बटा तीन आ गई, 0.3 है जिहड़ा एक छड के आ, तो इहदा पढ़ ली। हुण ये एक दूजे के गुणात्मक उल्ट ने यह दसना है, सो दोनों की आपने मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, कैंसल 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 कैंसल, आंसर वन आ गया, तो उस क्वेश्चन का आंसर हो गया हाँ कि तीन से एक बटा तीन का गुणात्मक उल्ट 0.3 है, तो तुसी कह दिता हाँ हाँ जी हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो अज की वीडियो इन्ना कि तुसी इस विच जिहड़ा हैगा दोबारा दोबारा इनू जिहड़ा हैगा जिथे नहीं समझ आता पॉज करके देख लो कि तुहानू पता लग जाए जोड़ात्मक ते गुणात्मक उल्ट आपां ने किदा फाइंड करने, ठीक है जी। अगले वीडियो च आपां परमेय संख्यावां दे विचलियां परमेय संख्यावां ते होर चीज़ां फाइंड करनियां सीखांगे, ठीक है जी, थैंक यू।